वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारी क्लास टीडीपी की, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना टीडीपी का फुल सिलेबस। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास नंबर 24 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 23 तक क्लासेस को कर लिया है। तो जो लोग क्लासेस को पहले फॉलो नहीं किए हैं, पहली बार क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो करने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए आप लोग। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं डिप्लोमा का। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जुलाई में ही आपका शायद एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल अभी तक जो नहीं पढ़े हो, लेकिन आप ध्यान दे दो सभी लोग। ठीक है, यही आपका लास्ट टाइम है जिसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास। तो एक बार फिर से, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जब भी लाइव क्लास चलेगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अपने नए दोस्तों को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके, जितने भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन सबको शेयर करिए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। तो पिछली क्लास की अगर बात करें तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन लाइन में, और वो ट्रांसमिशन लाइन में आपका हम देख रहे थे कि ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी होती है, ठीक है, उसका अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो बेसिकली हमारा, हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें तो हमने आपको बताया था कि तीन टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड थर्ड हमने बताया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने बाकायदा आपको डेफिनेशन भी बताई और उसको हमने अच्छे से समझ भी लिया था। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसी के आगे। ठीक है, टॉपिक हमारा वही है, बस उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे आप देखते हैं चारों तरफ अपने, सभी लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रांसमिशन लाइन जो आपको दिखती है इस तरीके से, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन जो दिखती है, ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का अगर रिप्रेजेंटेशन करें, अगर हम इसके एनालिसिस की बात करते हैं या परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो इसका एनालिसिस हम लोग किस बेसिस पे कर सकते हैं, जब हमको क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस क्या होगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम लोग तुमसे ये कहें कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन दिखती है, ये ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो आप कैसे बनाएंगे, क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, या हम कह सकते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, यानी कि जो हम लोग सर्किट डायग्राम की बात करें, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो हमने आपको बताया पिछली क्लास में कि हमारे चार पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं, चार पैरामीटर्स होते हैं, वो कौन कौन से, रेजिस्टेंस हमने बताया। ठीक है, रेजिस्टेंस जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमने बताया इंडक्टेंस होता है,
इंडक्टेंस जिसको हमने बताया एल से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड जो हमारा होता है वो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, और चौथा जो हमारा होता है वो कंडक्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हमने किससे जी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे चार पैरामीटर्स होते हैं। इन चार पैरामीटर्स को अगर हम देखें कि ट्रांसमिशन लाइन में हमारे चार पैरामीटर्स किस तरीके से लगे होते हैं, अगर उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो मान लेते हैं हम किसी एक फेज, जैसे सपोज करिए आपके पास तीन फेज हैं, तो किसी एक फेज का अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए मान लिया क्या होता है कि हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, इधर साइड हम मान लेते हैं और ये हम मान लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से। अब जो पैरामीटर्स होते हैं, जो आपके रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, ठीक है, तो इनको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सीधे आपका सीरीज में रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और इंडक्टेंस का भी हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस करेंगे, तो ये क्या है हमारा इंडक्टर है। जबकि हमारा क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होता है उसको हमने क्या बताया कि वो आपका दो कंडक्टर के बीच में या एक कंडक्टर और अर्थ के बीच में हमेशा डेवलप होता है कैपेसिटेंस, तो ये हमारा क्या होगा, हम उसको कैपेसिटेंस बना देंगे शंट में, और ये हमारे क्या होंगे, सीरीज में होंगे, ये पैरामीटर्स क्या होंगे, सीरीज में, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, शंट होगा, शंट है कि नहीं। अब इसी तरीके से और आगे बनाते जाओगे तो फिर से हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक, और इंडक्टेंस होगा, ऐसे फिर हमारा कैपेसिटेंस होगा। तो इस तरीके से अगर हम लाइन को बढ़ाते जाएं तो लाइन तो हमारी बहुत लंबी होती है, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है ट्रांसमिशन लाइन का, तो वो हमारा देखने को मिलता है कैसे, इस तरीके से, ठीक है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टेंस, और फिर से इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा इस तरीके से बनता जाएगा, और ये कोई रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आरएन है, ये एलएन मान लिया, ये सीएन मान लेते हैं, कोई नंबर ऑफ हमने मान लिया इनफाइनाइट तक इस तरीके से, क्योंकि लेंथ की लंबाई तो बहुत होती है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, इस तरीके से लिख देते हैं, ये हमारा होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो हमारी ब्रांच होती है ये हम कहते हैं शंट ब्रांच होती है, और ये वाली जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, सीरीज ब्रांच होती है, सीरीज ब्रांच, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो सभी लोग इसको बना लीजिए, इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, इसको बना लीजिए सभी लोग। इसमें कोई करंट मान लेते हैं आई फ्लो कर रही है, तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, तो कल ही हमने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस होते हैं इनका हमको क्या देखने को मिलता है, इनका हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, ना कि आपके फिजिकल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है आर एल सी और जी का, ठीक है। तो ये चार पैरामीटर्स होते हैं, इनको याद रखिए सभी लोग, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो ये पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो इसको आप बना लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, इसके एनालिसिस करते हैं। चलिए नोट करिए सभी लोग, हो गया सबका। चलिए अब देखिए बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन, हमने बात की कि हमारा ये इक्विवेलेंट होता है ट्रांसमिशन लाइन का, तो किसी भी
किसी भी इक्विपमेंट का या किसी भी मशीन का जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो हमको क्या ज़रूरत पड़ती है उसके इक्विवेलेंट सर्किट की। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब बात आती है कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, उसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें, क्या है ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमको कुछ चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। क्या क्या हमको चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तो डिटरमाइन हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या क्या डिटरमाइन करना पड़ता है। एक तो होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है ट्रांसमिशन इफिशेंसी, ट्रांसमिशन इफिशेंसी। अब इन दोनों टर्म को पहले हम समझ लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और ट्रांसमिशन इफिशेंसी क्या होती है, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं इनका एनालिसिस करते हैं या किसी भी लाइन की एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब हमको पता होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या चीज़ फाइंड आउट करता है या ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या चीज़ निकालती है, कैसे क्या होता है। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वोल्टेज का रेगुलेशन, यानी कि जो वोल्टेज में वेरिएशन होता है, वोल्टेज का जो वेरिएशन होता है मान लेते हैं या बदलाव होता है, ठीक है, वही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब वो किस तरीके से होता है या हम कह सकते हैं बदलाव, ठीक है, किसका, वोल्टेज का। अब ये बदलाव कैसे हो सकता है, नो लोड से लेकर के, नो लोड से फुल लोड तक, ठीक है, ये इसको समझेंगे, नो लोड से फुल लोड तक। अब वोल्टेज का वेरिएशन की बात करें तो जैसे हम मानते हैं कि अगर हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से, जैसे मानते हैं हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, मान लिया ये, ठीक है, अगर ट्रांसमिशन लाइन में हम कोई करंट फ्लो करते हैं, मान लिया कोई करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, हम जानते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर, एल और सी, ठीक है, जी भी होता है, बट जी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट हमको बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मेन आपके चार तीन पैरामीटर होते हैं। तो जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा, करंट को एक अपोज करने वाला मिलेगा, ठीक है, जो कौन होगा अपोज करता है, रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी वो हमारा क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। और करंट को अपोज करने का मतलब क्या है कि हमारा कुछ ना कुछ इस लाइन के अक्रॉस हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। बताइए, मान लिया हमने कोई वोल्टेज यहाँ पे VS दिया और यहाँ पे रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा VR है, यानी कि ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये हमारा कोई है रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। अब मान लिया हमने कोई करंट फ्लो कराई इस कंडक्टर से या लाइन से, तो हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से और इंडक्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारी इसकी वजह से, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वजह से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप, हम जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V into R, ठीक है, यही होता है कि नहीं, यानी कि अगर करंट फ्लो करोगे और रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये हम मान लेते हैं VR है वोल्टेज ड्रॉप, IR, चलो इसको मत मानो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे VR और VS में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि हम यहाँ से और यहाँ से वोल्टेज अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज कम मिलेगा जितना हम भेज रहे थे यहाँ से। मान लिया कोई आप 10 kV वोल्टेज है यहाँ का सेंडिंग एंड पे, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज पे हमारा कितना मिलेगा, मान लिया एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 8 kV वोल्टेज रिसीविंग एंड पे है, तो ये रिसीविंग एंड पे हमारा 8 वोल्टेज क्यों हो गया कम, तो ये 8 वोल्टेज हमारा किस लिए कम हो गया, क्योंकि हमारा कुछ लाइन में वोल्टेज कम हो गया, इस लाइन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया जी। ये देखिए, तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब क्या है, कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो हमने ये
एजम्पशंस माना है कि हमारा कितना हो गया 2 केवी वोल्टेज हमारा लाइन में ड्रॉप हो गया या लाइन में खपत हो गई है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि सेंडिंग एंड से और रिसीविंग एंड से हमारा कितना वेरिएशन आया वोल्टेज का, तो देखिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या होता है कि हमारा, अब देखिए यहाँ सेंडिंग एंड से और रिसीविंग एंड से हमारा वोल्टेज का वेरिएशन कितना आया, यानी कि अगर वेरिएशन की बात करें तो हम ऐसे ही करेंगे Vs माइनस Vr, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आया, ये हमारा क्या है डिफरेंस, या डिफरेंस कह सकते हैं या वेरिएशन कह सकते हैं, कितना बदलाव आया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमारा होता है Vs माइनस Vr, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताता है कि हमारा वोल्टेज सेंडिंग एंड पर कितना वोल्टेज है और रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना आपका है, ठीक है। तो इनमें जितना वेरिएशन आता है या डिफरेंस आता है वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, कमेंट करिए। इससे अच्छा हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अगर अभी भी आप लोगों के नहीं समझ में आया तो इससे अच्छा फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ को समझाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी रटना नहीं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं फॉर्मूला रट लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर इस तरीके से, तो वो रटना नहीं है, एक्चुअल मतलब देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो कभी भी इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अब बताइए, कमेंट करिए इस चीज़ को परफेक्टली आपको समझ में आया कि नहीं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है वोल्टेज में बदलाव या वोल्टेज का डिफरेंस सेंडिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर वोल्टेज हम देखते हैं कि कितना हमारा वोल्टेज का अंतर आया है, वही हमारा क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो हमेशा आपसे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन पूछता है, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि Vs माइनस Vr जो भी आपका डिफरेंस आया अपॉन जो रिसीविंग एंड वोल्टेज हुआ इनटू 100, तो ये हमारा क्या होता है परसेंटेज वोल्टेज होता है रेगुलेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इस ये जितने हमने लिखाए हैं इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट में अगर आप लोग लिख लेंगे ना तो आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप खुद से इसकी थ्योरी बना सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में क्या होता है, ठीक है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, Vs माइनस Vr अपॉन Vr इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज यानी कि वोल्टेज में बदलाव अपॉन Vr इंटू 100, तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में आ जाएगा। तो बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। जितना हमने आपको बताया अभी तक, क्या क्या बताया हमने, हमने बताया कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसका इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल के लिखो सभी लोग, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। ये वाला नोट कर लिया सब लोगों ने, ये वाला नोट कर लीजिए, और इसके बाद आप लोग डालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। चलिए इसमें लिखिए, लिखिए, अच्छा हम बोल रहे हैं आपको, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन रिसीविंग एंड वोल्टेज पर, रिसीविंग एंड वोल्टेज, या आप ऐसे लिखिए वोल्टेज रेगुलेशन सेंडिंग एंड तथा रिसीविंग एंड वोल्टेज का डिफरेंस होता है, वोल्टेज रेगुलेशन सेंडिंग एंड तथा रिसीविंग एंड वोल्टेज का डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है,
जो कि नो लोड से फुल लोड, जो कि नो लोड से फुल लोड के बीच दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है ठीक है। आगे लिखो, इसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, इसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला नोट करो इसी के नीचे, ये वाले जो फॉर्मूला हमने आपको बताए हैं, ये वाला और ये वाला ठीक है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू वी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर इंटू 100 ठीक है। इतना लिखने के बाद और लिखो, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका मतलब समझते हैं। जब ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो होती है, जब ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो होती है तो ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस व इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज में कमी आती है। जिससे रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से जिससे रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से कम मिलता है या कम हो जाता है, कम मिलता है। आगे लिखो, तो यह वोल्टेज ड्रॉप क्या लिखेंगे, बी एस माइनस वी आर ठीक है, लिख लीजिए वोल्टेज ड्रॉप बी एस माइनस वी आर लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन दर्शाता है। वोल्टेज रेगुलेशन दर्शाता है ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, तो इस तरीके से मैथमेटिकली आप लिख लीजिए वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज इक्वल्स टू बी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर इंटू 100 ठीक है। ये आप लिख लीजिए इसको ठीक, इसको नोट करिए। अब देखिए, ये वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो अब आपसे ये कहा जाए कि हमारा ये मान लेते हैं ये लाइन ठीक है, और यहाँ पे है हमारा सेंडिंग एंड पर, ये हमारा रिसीविंग एंड पर वोल्टेज है, ये है हमारा रिसीविंग एंड पर और ये हमारा सेंडिंग एंड पर ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर सपोज करिए कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, मान लिया ये लाइन है ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की बात करें अगर ये हमारा जीरो होता है तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो होने का मतलब क्या है, देखिए वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या आ जाएगा, बताइए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, हम जानते हैं बी एस माइनस वी आर होता है ठीक है। अब हमारा अगर वोल्टेज ड्रॉप क्या है,
जीरो हुआ, तो जीरो होने का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे वेरिएशन क्या हो गया, जीरो और वी एस माइनस वी आर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा तो हम कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन हमारा जीरो कब होगा, जब हमारा वी एस माइनस वी आर होगा। बताइए वी एस माइनस वी आर यानी कि जितना वोल्टेज आपका यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज हमारा यहाँ पे मिलना चाहिए। मान लिया हमने 20 के वी वोल्टेज हमारा यहाँ पे है, और 20 के वी अगर यहाँ पे होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज हमारे यहाँ पे है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा उस केस में, यानी कि हमारा वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, जितना यहाँ है वही इतना यहाँ, कोई बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव ना होने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन में कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब जब जीरो आ जाता है वोल्टेज रेगुलेशन में तो हमारा उस केस में क्या है, वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा, कब, जब वोल्टेज रेगुलेशन हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिए आप लोग। तो आपसे ये पूछा जाए कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए या अधिक से अधिक होना चाहिए, बताइए। आपसे अगर हम ये पूछें कि वोल्टेज का रेगुलेशन है वो कम अच्छा होता है कि ज़्यादा वाला अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमारा हमेशा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताता है कि वोल्टेज में डिफरेंस को बताता है, और हमारा ये वोल्टेज बहुत ही डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उतना ही हमारा सिस्टम अच्छा रहेगा और उतना ही हमारा वोल्टेज में ड्रॉप कम होगा, तभी हमारा ये बराबर होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। क्या होता है, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपका रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस की वजह से हमारा क्या होगा, वोल्टेज में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है, इंडक्टेंस की वजह से ड्रॉप होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। आप पूरा मतलब समझ गए सभी लोग, बताइए वोल्टेज रेगुलेशन का। तो चलिए एक नोट लिख के आप लिखिए, आगे नोट करके लिखेंगे इस तरीके से। क्या लिखेंगे नोट में, लिखिए अच्छा इसमें। तो वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसमिशन, ऐसे लिखिए, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए जिससे लोड करंट को बढ़ाने पर वोल्टेज के डिफरेंस में कम से कम वृद्धि हो, ठीक है, यानी कि कम से कम डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट हो गया आपका, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम से कम होना चाहिए। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा बेसिक हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमने बताया कि अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, तो ये परफॉर्मेंस हम ये बताएं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन उस ट्रांसमिशन लाइन में कितना हो रहा है, ठीक है, या तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि अगर हमारा ट्रांसमिशन इफिशेंसी की देखते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रांसमिशन इफिशेंसी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इफिशेंसी क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए ट्रांसमिशन इफिशेंसी का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारा जो पावर होता है, मान लीजिए ये है हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और ये है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज और ये हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज,
और यहाँ पे हमारा सेंडिंग एंड पावर है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं रिसीविंग एंड पावर है। ये क्या है? रिसीविंग एंड पावर, और ये सेंडिंग एंड पावर पावर, ठीक है। अब बेसिकली हमने आपको बताया होगा कि जो इफिशेंसी होती है, कोई भी जब इफिशेंसी हम निकालते हैं तो इफिशेंसी हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होता है कि नहीं होता है? तो ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी की भी फ्रिक्वेंसी जब हम निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है? हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, मान लिया ये क्या है? ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन की अगर इफिशेंसी निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं? मान लिया टी क्या है? हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, लाइन, ठीक। चलो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पावर हम ट्रांसफ़र करते हैं सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक, पावर ही तो ट्रांसफ़र की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हम अगर एफिशिएंसी निकालें तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर अपॉन सेंडिंग एंड पावर, सेंडिंग एंड पावर, यही होगी कि नहीं? क्योंकि हमारा जो रिसीविंग एंड पावर है, ये हमारा क्या होगा? एक तरीके से आउटपुट का काम करेगा, है ना? यही तो हमारे आउटपुट पे मिल रहा है। और इनपुट क्या है हमारा? एक तरीके से हम दे क्या रहे हैं इनपुट पे? सेंडिंग एंड पावर। तो ये हमारा क्या है? आउटपुट है, और ये हमारा क्या है? इनपुट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से अगर निकालेंगे ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बताइए? रिसीविंग एंड पे हम क्या लिख सकते हैं? रिसीविंग एंड पावर हमारी कितनी है? पी आर अपॉन सेंडिंग एंड पावर क्या है? पी एस, यही है कि नहीं बताइए? तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड पावर और सेंडिंग एंड पावर। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो पी आर होता है, पी आर होता है वो क्या होता है? हमारा एक्टिव पावर है, एक्चुअल पावर, एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? हम जानते हैं पी इक्वल्स टू बी आई कॉस फाई होता है कि नहीं? अगर हम लोग पी आर को लिखें, पी आर का मतलब रिसीविंग एंड पर पावर, अगर देखें तो ये क्या हो जाएगी? बी आर आई आर इंटू कॉस फाई आर, यही होगी कि नहीं होगी? और पी एस की बात करें तो पी एस क्या हो जाएगा? बी एस इंटू आई एस इंटू कॉस फाई एस, यही होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट कर देते हैं कि ये क्या हो जाएगा? वी आर आई आर कॉस फाई, कॉस फाई आर अपॉन वी एस आई एस कॉस फाई एस, ठीक है। यहाँ से इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या, सॉरी इफिशेंसी क्या आ जाएगी ट्रांसमिशन लाइन की? वी आर आई आर, एक मिनट इसको सही लिख लीजिए, तो ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन की इफिशेंसी क्या हो जाएगी? वी आर आई आर कॉस फाई आर अपॉन बी एस वी आर बी एस आई एस, ये आई एस है, ठीक है, आई एस कॉस फाई एस इंटू 100। तो ये हमारी क्या होगी? परसेंटेज में निकल जाएगी, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन इफिशेंसी। अब ट्रांसमिशन इफिशेंसी में हमारा वी एस क्या है? वो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है। वी आर क्या है? रिसीविंग एंड पर वोल्टेज है। कॉस फाई आर क्या है? हमारा रिसीविंग एंड पर पावर फैक्टर है। और कॉस फाई क्या है? कॉस फाई एस हमारा सेंडिंग एंड पर पावर फैक्टर है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए सही से, और तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी हमारी निकल के आई वी आर आई आर कॉस फाई आर अपॉन वी एस आई एस कॉस फाई एस इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज में है। अब इसमें लिख लीजिए कि हमारा वी आर क्या है?
रिसीविंग एंड वोल्टेज, और वीएस क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, कॉस फाई आर क्या है, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, ठीक, और कॉस फाई एस सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, बताइए दोनों चीजें समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्या होते हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसमिशन इफिशेंसी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस करेंगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की, जब हम एनालिसिस करेंगे, चाहे आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो, तो उन सब में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निकालेंगे सब में, और उसकी इफिशेंसी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो इन्हीं दो फैक्टर की वजह से, इन्हीं दो टर्म की वजह से हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को। तो इतनी बात समझ में आ गई, बताइए आज का टॉपिक समझ में आया अच्छे से, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डेरिवेशन है, और डेरिवेशन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे वहाँ से, रिसीविंग एंड वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू निकालेंगे, और इफिशेंसी उस ट्रांसमिशन लाइन की निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो एक बार फिर से, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी थोड़ा बहुत मेहनत करिए और पढ़िए अच्छे से, ठीक है, अपना नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो जितना ज़्यादा एफर्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप डेली की डेली लेक्चर नहीं करेंगे लाइव, तो उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा छूटता चला जाएगा, और फिर एक बार जैसे ही आपका छूटा, फिर आपको कंप्लीट करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डेली का डेली आप नोट्स बनाते रहिए, फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना, चलिए फिर, ख्याल रखिए अपना सभी लोग, ठीक है, ऑल दी बेस्ट।